क्या ये सब कुछ तुमने तैयार किया? तुमने ये जल्दी में कैसे कर लिया सब? जल्दी में नहीं मेरी जान, 45 मिनट लगे हैं, क्योंकि तुम जब भी अम्मी से बात करती हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसा ही है, झूठ बोल बोल कर थक चुके हो ना तुम इतने महीनों से। तो क्या कर सकती हूँ, मगर उन्हें एक दिन बता ही दूंगी। बता देते। दमीर सही कह रहा है, एहसन साहब हमारे पीछे लगी है, हम किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। एहसन एक बार फिर अपने आदमी मेरे पीछे भेज सकते। मैं पूरी जिंदगी इस खौफ के साथ नहीं जी सकती, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त पीछे देखते रहना, ये सब बहुत मुश्किल है। शादी पे दमीर को सरप्राइज देना चाहती हूँ। कैसा सरप्राइज? मैं दमीर को प्रपोज करने वाली हूँ, मगर वो कबूल करेगा या नहीं इस बात से डर रही हूँ। देखो जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना, मेरे साथ जो हुआ वो देख सकती हो। तुम पहल नहीं कर सकती सेलिन, दमीर साहब को करने दो ना पहल, वैसे भी लड़कियाँ नखरे दिखाती हैं। तुम ऐसी किसी किस्म की कोई बेवकूफी नहीं करोगी। हेलो हेलो, कैसी हो? आज रात लैला आंटी के लिए पार्टी रख रहे हैं हम लोग, हैप्पी पाई में, अगर तुम आओगी तो खुशी होगी। दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से कोई परेशान हो। आ जाओ प्लीज एलू, सब कुछ भूल कर एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, हम सबको इसकी जरूरत है। यहाँ से चली जाऊँ तो सुकून में रहूंगी। हाँ चले जाएंगे, मगर मुकर्रम साहब की शादी के बाद। मगर पुलिस और एहसन के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं पता? यिल्दिरम अभी कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कंपनी बंद हो गई, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अब हमारे साथ क्या होगा, मैं जेल भी जा सकता हूँ।